प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरी। अब बच्चों इसको एराइल हैलाइड भी लिख सकते हैं, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड यानी एराइल ग्रुप के साथ हैलोजन। अब एराइल को बनाइए, ए हो गया बच्चों हेलो एरिन या एराइल हैलाइड। अब एक्स के जगह पर क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर क्लोरीन को करते हैं तो ये क्या बनता है, क्लोरो बेंजीन। अगर ब्रोमीन को करते हैं तो ये बनता है ब्रोमो बेंजीन। इसी प्रकार से आयोडो बेंजीन बनाना किससे है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बना है। और हाइड्रोकार्बन में बच्चों मिथाइल इथाइल अल्केन मिथेन इथेन तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ एराइल ग्रुप है, स्वाभाविक है बेंजीन को लेंगे। पहले लिखेंगे हैलोजेनेशन, हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन यानी एक इलेक्ट्रोफिलिक निकलेगा उसके जगह पर दूसरा आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। तो लिख दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चों पहले तो हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। अब रिएक्शन में रहा आपका ए बेंजीन, बेंजीन है, इसका रिएक्शन अगर Cl2 के साथ करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, लेविस एसिड के प्रेजेंस में आपको करवाना है। और लेविस एसिड में हो गया बच्चों AlCl3 या AlBr3 या FeCl3 या FeBr3 या ZnCl2 या ZnBr2 या FeCl2 या FeBr2। ये सभी जो है बच्चों लेविस के अनुसार एसिड है, और एसिड क्यों है क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं कि इस रिएक्शन में सभी को लेना है, किसी में माने इसमें से किसी एक को लेना है, किसी को भी ले सकते हैं। ध्यान में रखना है कि ए दोनों यानी AlCl3 या AlBr3 एनहाइड्रस होना चाहिए, अनाद्र सूखा हुआ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस AlBr3, तब जाकर के बनेगा बच्चों यहां Cl यानी क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। यहां लिख दीजिए क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cl2 के जगह पर Br2 को लेना है, यही अंतर है, प्लस Br2। और इसमें से किसी एक को ले लीजिए, AlCl3 को ही लीजिए, लेकिन एन हाइड्रस लेना है, एन हाइड्रस मीन्स अनाद्र, है ना, वाटर इसमें नहीं होना चाहिए, तब जाकर के बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। यहां लिख दीजिए ब्रोमोबेंजीन। बच्चों इस मेथड से सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन ही बनेगा, आयोडो और फ्लोरो बेंजीन ये दोनों नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा हम लोग आगे देखते हैं। इसमें पहले हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कहता है पहला स्टेप में जनरेट, जनरेट इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को बनाना है, अब कैसे बनेगा ध्यान दीजिए सर, यहाँ है आपका Cl2 और यहाँ जो है लिविस एसिड है Al Cl3, और ये आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल्स है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, उस सिचुएशन में इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तब जा कर के ये बनेगा Cl पर प्लस और यहाँ बनेगा Al Cl पर माइनस। ये जो है बच्चों इसको कहेंगे क्लोरोनियम आयन, क्या कहेंगे क्लोरोनियम आयन। चलिए आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों दूसरा स्टेप में अटैक इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा ध्यान दीजिएगा, ये रहा Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, इसका रिएक्शन किससे होगा, बेंजीन से होगा, बेंजीन से। बढ़िया से बनाइए स्ट्रक्चर, समझ में आसानी से आएगा। ये रहा बच्चों बेंजीन, ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, और जब यहां शिफ्ट करेगा तो इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, है ना, जहां माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल होगा वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी इस प्रकार से। अब यहां प्लस हो जाएगा माइनस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब बच्चों अगर इसका रेजोनेंस अगर बनाना है ना, तो ये प्लस जो है यहां ले आएंगे पर अपोजिशन पर इस प्रकार से, प्लस यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां हो जाएगा सीएल, और बनाना है तो ये प्लस जो है फिर ऑर्थो पर ले जाएंगे, ऑर्थो पर ले आएंगे सीएल। अब यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तीनों का अगर निचोड़ निकालना है बच्चों, है ना, यानी हाइब्रिड रेजोनेंस। अब देखिए ये प्लस जो है किस किस पोजीशन पर है, ये तो आप देख रहे हैं कि ऑर्थो पारा पर है, ये ऑर्थो हो गया, पारा हो गया, ऑर्थो हो गया, यानी इस प्रकार से। इस पर यहां पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको कहते हैं अल्फा कॉम्प्लेक्स, अल्फा कॉम्प्लेक्स जो कि अस्टेबल। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट में रिमूवल ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस कर दीजिए। अब यहां ध्यान दीजिए कैसे रिमूव करेगा, ए रहा बच्चों आपका Cl, अब यहाँ है प्लस, यहाँ जो है डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, अब यहाँ जो है हाइड्रोजन है ना, इसको इलेक्ट्रोफाइल को हटाने के लिए AlCl4 पर माइनस वापस आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन तो प्रत्येक कॉर्नर पर है, बाहर से तो हम लोग लाए नहीं, चूंकि CH होता है बेंजीन का फॉर्मूला, H यहां से निकलेगा, यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां तो बॉन्ड यानी एरोमेटिसिटी वापस आएगा और H प्लस जो है Cl माइनस को ले जाएगा और बना लेगा HCl, और बाकी जो है बचा AlCl3 और बाकी जो है बचा आपका प्रोडक्ट Cl, इसी का नाम है क्लोरो बेंजीन। अब बच्चों क्या कीजिएगा, इसको छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग आइडल फॉर्म को देखते हैं, इसके लिए बेंजीन को लाना होगा, ले आइए बेंजीन आ गया आपका, इसका रिएक्शन आई टू के साथ करवाना है, लिविस एसिड किसी को भी ले लीजिए, तो एनहाइड्रस AlCl3 को ही ले लेते हैं AlCl3, ये जाकर के आपका बना देगा आइडोबेंजीन, ये रहा आपका आइडोबेंजीन प्लस एच आई। अब यहाँ बच्चों देखिए होता क्या है कि एच आई जो है हाईली अस्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग
एजेंट होता है, है ना। अब हाईली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको आसानी से रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ लिख दीजिए इट रिड्यूस आइडो बेंजीन टू बेंजीन। चौबे चले छक्के बनने या दुबे बन बैठे, यानी बेंजीन से आइडो बेंजीन बनाना है, लेकिन ये पुनः रिवर्स हो जाएगा, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इसलिए इस मेथड का उपयोग इसमें नहीं होता है। अब बच्चों फ्लोरीन की बात रहा तो यहाँ एक लाइन याद रखिएगा, फ्लोरो बेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड। कहता है इस मेथड से फ्लोरोबेंजीन तो बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, उसको डिसोसिएट करना इतना आसान नहीं होता। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।